रायगढ़ राज्य में जग्गी नाम का एक बेहद आलसी, धूर्त और एक नंबर का बदमाश व्यक्ति रहता था। जग्गी हमेशा किसी गरीब का भोजन छीन लेता तो किसी के पैसे छीन लेता। राजा विक्रम जग्गी की हरकतों से बहुत परेशान था, लेकिन जग्गी हमेशा राजा की दयालुता का फायदा उठाकर बच निकल जाता। एक दिन जग्गी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि तभी उसने देखा गांव के मुखिया सुखिया चाचा बड़े सजधज कर राजमहल की ओर जा रहे थे। अरे इतना सजधज के कहाँ जा रहे हो मुखिया जी, क्या राजमहल में कोई दावत वगैरह है क्या? जग्गी की बात सुनकर गांव का मुखिया जग्गी के पास आकर बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने जग्गी, क्या तुम्हें नहीं मालूम राजा विक्रम ने आज पूरे गांव को अपने राजमहल में दावत दी है। किस खुशी में? जहाँ तक मेरी जानकारी है तो आज तो राजा का कोई जन्मदिन भी नहीं है। हाँ, लेकिन आज उनका पुत्र 10 साल का हो गया है, इसी वजह से उन्होंने सारे गांव के लोगों को दावत दी है। 10 साल का हो गया है, भला उसके 10 के होने से पूरे गांव की दावत का क्या संबंध? दरअसल पंडित जी ने राजा विक्रम से ऐसा करने के लिए बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उससे उनकी प्रजा और ज्यादा सुखी रहेगी, और तुम तो जानते ही हो कि राजा विक्रम कितने दयालु हैं और अपनी प्रजा के लिए वो कितनी चिंता करते हैं। अब फिर तो काफी अच्छे अच्छे पकवान भी बने होंगे। ये भी कोई कहने की बात है जग्गी। अरे राजा के घर पर दावत है भैया, तो जाहिर सी बात है एक से एक अच्छे पकवान बने होंगे। तो फिर तो अच्छी बात है मुखिया जी, आप चलिए, मैं भी तैयार होकर कुछ ही देर में राजमहल पहुँचता हूँ। जग्गी की बात सुनकर मुखिया जोर जोर से हंसता हुआ बोला, लगता है तुझे किसी ने अभी तक ये नहीं बताया जग्गी कि राजा विक्रम ने सबको दावत दी है सिवाय तेरे। क्या मतलब? मतलब ये कि राजा विक्रम के साफ साफ आदेश हैं कि आज के दिन जग्गी राजमहल के आसपास भी ना दिख जाए, नहीं तो उसकी खैर नहीं। ये तो राजा की बहुत ज्यादा गलत बात है। मुखिया जी, क्या मैं इस गाँव का व्यक्ति नहीं हूँ? वैसे तो तुम्हारा राजा बड़ा दयालु बना फिरता है। दयालु राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को एक समान समझता है। मत भूलो जग्गी कि उसकी दयालुता की वजह से तुम आज तक बचते आए हो, वरना अगर तुम किसी दूसरे राज्य में रह रहे होते तो वहाँ का राजा कब का तुम्हें फांसी पर चढ़ा चुका होता। और सुनो मेरी बात को मजाक मत समझना भैया, राजमहल की ओर भटक कर भी मत जाना, बता रहा हूँ। मुखिया की बात सुनकर जग्गी के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। देखना मुखिया जी, जिस दिन मैं राजा बनूंगा उस दिन मैं किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। राजा और तुम, लगता है तुम हम नींद में भी सपने देखने लगे हो जग्गी है। अरे तुम्हारे जैसे मक्कार और चोर कभी राजा नहीं बनते भैया, ये हसरत अपने दिल में ही रखना, अगर राजा को पता चल गया तो आजीवन तुम्हें कारागार में डाल देगा। इतना कहकर मुखिया जग्गी का मजाक उड़ाते हुए और जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से चला गया। जग्गी गुस्से से बड़बड़ाता हुआ अपने आप से बोला, ये राजा अपने आप को समझता क्या है? पूरे गांव को दावत दी, मुझे दावत नहीं दी, ये तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने भी अपने ऊपर पूरी बेशर्मी लाद रखी है, मैं राजमहल जाऊंगा, देखता हूँ राजा क्या कर लेता है। जग्गी तैयार होकर सीधे राजमहल में पहुंच गया। राजमहल में अच्छे अच्छे पकवान देखकर जग्गी के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, देसी घी की पूड़ियां भी हैं, मिठाई भी है, आहा, कितनी शानदार खुशबू आ रही है। जग्गी तुरंत उन पकवानों की ओर लपक कर उन्हें खाने लगा कि तभी राजा विक्रम की नजर जग्गी पर पड़ गई। वो गुस्से से जग्गी की ओर आकर बोले, वैसे तो मैंने मना किया था कि तुम इस राजमहल के आसपास भी भटक मत जाना, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम एक नंबर के बेशर्म हो। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बेशर्म देखे, लेकिन तेरे जैसा बेशर्म मैंने कभी नहीं देखा। जी तो चाहता है कि अभी और इसी वक्त तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूं, लेकिन क्या करूं, आज मेरे महल में जश्न है। अब आ ही गए हो तो पेट भर कर खाना, और चाहो तो अपने घर के लिए भी ले जाना, लेकिन याद रखना आज मेरे राजमहल में बहुत दूर दूर से मेहमान आए हैं। गलती से भी अगर तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप राजा साहब, मैं अब सुधर गया हूँ। हाँ, सुधर जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छी ही बात है। इतना कहकर राजा विक्रम वहाँ से गुस्से से चला गया, जग्गी पकवान का मजा लेने लगा कि तभी जग्गी की नजर राजा के बेटे आदित्य पर पड़ी।
जो कि एक सोने के कंगन से खेल रहा था। जग्गी के खुराफाती दिमाग में तुरंत एक योजना दौड़ने लगी और वो बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोला, अरे वाह, ये तो बहुत भारी और बड़ा कीमती सोने का कंगन लगता है। अगर मैंने इसे चुरा कर बाजार में बेच दिया तो मेरा तो 10 साल के खाने का प्रबंध हो जाएगा, फिर चोरी करने की जरूरत ही नहीं। जग्गी मुस्कुराते हुए राजा के बेटे आदित्य के पास जाकर बोला, छी 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 छी, राजा के बेटे होकर नकली सोने के कंगन के साथ खेल रहे हो, तुम्हें तो असली सोने के कंगन के साथ खेलना चाहिए। ये असली ही सोना है, पिताजी ने मुझे दिया है, यकीन नहीं आता तो इसे छू कर देख लो। लाओ दिखाओ तो मुझे। आदित्य ने वो कंगन जग्गी के हाथ में पकड़ा दिया। अरे नहीं नहीं राजकुमार, ये नकली है, इसमें तो सोने का पानी फिरा है, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो तुम जाकर अपने पिताजी से पूछ लो। जग्गी की बात सुनकर भोला भाला राजकुमार सोच में पड़ गया। ठीक है, मैं पिताजी से पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर राजकुमार वहाँ से दौड़ता हुआ चला गया और जग्गी इधर उधर देख कर वहाँ से खामोशी से निकल गया। राजकुमार को खाली हाथ देख राजा विक्रम ने राजकुमार से पूछा, तुम्हारे हाथ में शाही सोने का कंगन था, वो कहाँ है बेटा? राजकुमार ने सारी बात विक्रम को बता दी। राजकुमार की बात सुनते ही राजा विक्रम समझ गया कि ये सब जग्गी की ही करामात है। राजा विक्रम गुस्से से बोला, बस बहुत हो गया, आज तो इसने हद पार कर दी, राजकुमार को बेवकूफ बनाकर सोने का कंगन चुरा कर ले गया, सैनिकों को बुलाओ। कुछ ही देर में राजा के सैनिक सर झुकाए खड़े थे। जाओ जाकर जग्गी को पकड़ कर लेकर आओ, मुझे किसी भी हाल में जग्गी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। राजा का आदेश पाते ही सैनिक गांव की ओर दौड़ पड़े। इधर जग्गी एक पेड़ के पास उसी कंगन को निहारे जा रहा था कि तभी गांव का एक व्यक्ति वहां पर आकर जग्गी से बोला, अरे जग्गी, इस बार तो तुमने हद पारी कर दी भैया, राजा विक्रम ने तुम्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया, समझे? उस व्यक्ति की बात सुनकर जग्गी पूरी तरह से घबरा कर बोला, ये कैसी बात कर रहे हो भैया, राजा विक्रम तो बहुत ज्यादा दयालु है, मुझे लगा कि हर बार की तरह वो मुझे इस बार भी माफ कर देंगे। अबे पागल वागल हो गया क्या तू, तूने तो इस बार राजा के घर पर ही चोरी कर ली भैया, तेरी मौत तो इस बार पक्की है भैया, ठोक के बजा के, अब जो है ना, अब तुझे भगवान के अलावा और कोई नहीं बचा सकता भैया। मैं राजा के पैर पकड़ कर माफी मांग लूंगा और ये कंगन उन्हें वापस कर दूंगा। अरे बेवकूफ है क्या, राजा इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, अगर तू कंगन वापस लौटाने के इरादे से भी वहाँ चला गया ना, वो जो है तब भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और तो और अगर तुझे किसी सैनिक ने देख लिया तो सैनिक ही तुझे जान से मार देंगे, समझ गया? तो अब मैं क्या करूँ? मेरी सलाह मान तो तू इस राज्य से कुछ महीनों के लिए चला जा। इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया। तभी अचानक जग्गी ने देखा कि 3 सैनिकों के घोड़े उसकी ओर दौड़े चले आ रहे थे। जग्गी घबरा कर जंगल की ओर भागने लगा और एक घने जंगल के अंदर घुस गया। 3 सैनिकों में से एक सैनिक बोला, वो देखो वो उस जंगल में गया है, चलो जंगल में जाकर उसे पकड़ते हैं। रहने दे, क्या तुझे नहीं मालूम उस जंगल में भूतों का साया है, ये वहाँ पर जिंदा तो गया है लेकिन कभी लौटेगा नहीं, समझ लो कि जग्गी ने उस जंगल में जाकर अपनी मौत को खुद चुन लिया है, चलो जाकर राजा को सब कुछ बता देते हैं। सैनिक वहाँ से चले गए। जग्गी घने जंगल में दौड़ा जा रहा था, तभी अचानक जग्गी एक पत्थर से टकरा गया और वो एक तालाब के अंदर गिर गया। इधर कुछ घंटों बाद अब राजमहल का माहौल सामान्य हो चुका था। राजा विक्रम अपने मेहमानों के साथ बातचीत करने में व्यस्त था कि तभी वहाँ पर एक अजीब घटना घटी। राजा विक्रम जैसा दिखने वाला दूसरा राजा विक्रम राजमहल में पहुँच गया और राजा विक्रम को देखकर गुस्से से चीखते हुए राजा विक्रम से बोला, कौन है तू बहरूपी और मेरे मेहमानों के साथ तू यहाँ क्या कर रहा है? राजा विक्रम की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग दूसरे राजा विक्रम को हैरत से देखने लगे। राजा विक्रम अपने सामने अपने हूबहू हम शक्ल को देखकर हैरत में पड़ गया। बहरूपिया मैं नहीं, बहरूपिया बल्कि तू है। क्या सबूत है कि तू राजा विक्रम है? तेरे पास क्या सबूत है कि तू राजा विक्रम है? वहाँ सभी लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि कौन असली है और कौन नकली। मैं ही असली राजा विक्रम हूँ,
मैं यहाँ पर सुबह से अपने मेहमानों के स्वागत और सत्कार में लगा हूँ। अगर तू असली राजा है तो फिर दिखा वो शाही कंगन जिसे जग्गी झूठ बोलकर मेरे बेटे से चुरा कर ले गया था। मैंने सैनिकों को जग्गी को पकड़ने के लिए भेजा था, मगर सैनिकों ने मुझे बताया कि वो उस जंगल की ओर चला गया जहां से कोई वापस नहीं आता। इस सभा में सभी लोग जानते हैं कि राजा विक्रम कभी नहीं डरता। तेरे बेटे के सोने का शाही कंगन चोरी हो गया और तू यहां पर बैठकर मेहमानों के साथ गप्पे लड़ा रहा है, क्योंकि तू राजा विक्रम नहीं है। इतना बोलकर हमशक्ल विक्रम वो सोने का शाही कंगन निकालकर बोला, सुंदर नगर के वासियों, ये बहरूपिया झूठ बोल रहा है। देखो मेरे पास ये मेरे बेटे का सोने का शाही कंगन है। मैं इसे उस भयानक जंगल से जग्गी को मार कर लाया हूँ। मैं कुछ देर के लिए जंगल क्या गया, इस बहरूपिये ने आकर मेरी जगह ले ली। बस बहुत हो गया, अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे और तुम्हारे बीच युद्ध होगा। जो जीतेगा वही असली विक्रम कहलाएगा। दूसरा राजा विक्रम भी राजा से आर पार करने के मूड में था। उसने तुरंत हाँ कर दी और दोनों के बीच युद्ध होने लगा। कुछ ही देर में एक राजा विक्रम ने दूसरे राजा विक्रम को जख्मी करके जमीन पर धाराशायी कर दिया। तभी वहाँ पर एक काला धुआं फैल गया और उसमें से एक चुड़ैल निकलकर जख्मी विक्रम सिंह के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने तुमसे कहा था बेवकूफ कि तुम देखने में भले ही विक्रम जैसे लगोगे, लेकिन आत्मा तुम्हारी ही रहेगी। बेवकूफ, राजा विक्रम असली राजा है, उसके पास युद्ध लड़ने की कला है। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम तो लोगों से खाना भी चोरी करके खाते हो। तुम जख्मी हो चुके हो, राजा की तलवार तुम्हारे शरीर पर पड़ चुकी है, इसलिए अब तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। अचानक जख्मी राजा विक्रम जग्गी की शक्ल में आ गया। राजा विक्रम हैरत से चुड़ैल से बोला, ये तो जग्गी है, ये सब क्या है? बताती हूँ, बताऊंगी ही नहीं दिखाऊंगी भी तुझे। इतना कहकर चुड़ैल ने एक फूंक मारी और सारे राज्य के सामने एक दृश्य चलने लगा। जब जग्गी जैसे ही तालाब में गिरा, अचानक तालाब में से काला धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उस तालाब में से एक चुड़ैल निकलकर जग्गी के सामने आ गई। जग्गी तुरंत डरते हुए तालाब से बाहर निकलकर घबरा कर बोला, कौन हो तुम? एक चुड़ैल, मैं बरसों से यहाँ तालाब के अंदर कैद थी, मगर अब मैं आजाद हूँ। बहुत सालों पहले मैं इसी जंगल में घूमती फिर रही थी। मेरी वजह से एक साधु की तपस्या भंग हो गई थी। उसने मुझे श्राप दे दिया और मैं इस तालाब के अंदर कैद होकर रह गई। उस दिन के बाद जब भी कोई इस तालाब के नजदीक आता तो मैं उसे मार देती। क्या तुम मुझे भी मार डालोगी? नहीं, मुझे तुम्हारी वजह से ही आज़ादी मिली है। मैं उस साधु के सामने बहुत रोई, आखिरकार उसे मुझ पर तरस आ गया। उसने मुझसे कहा कि जब भी कोई धूर्त व्यक्ति हाथ में सोने का कंगन लेकर अचानक इस तालाब में गिरेगा तो तुम इस तालाब से आज़ाद हो जाओगी। और देखो, मैं आज़ाद हो गई। बता क्या इच्छा है तेरी, मैं तेरी एक इच्छा पूरी करूँगी। यानी मैं जो कुछ भी मांगूंगा तुम उसे पूरा कर दोगी? हाँ, मैं उसे पूरा कर दूंगी, लेकिन सिर्फ एक ही इच्छा। उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर जग्गी बड़बड़ाता हुआ अपने आप से बोला, यही सही मौका है राजा को सबक सिखाने का। उस राजा ने मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया है, अब मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा चेहरा और मेरा शरीर सुंदर नगर के राजा जैसा हो जाए। इसी वक्त जैसा राजा विक्रम है, मैं हूबहू उसके जैसे हो जाऊँ, उसके शाही कपड़ों से। जग्गी की बात सुनकर चुड़ैल हंसते हुए बोली, बेवकूफ मानव, इससे तुझे क्या हासिल होगा? जब मेरी शक्ल और शरीर राजा जैसा हो जाएगा तो तुम लोग मुझे राजा ही समझोगे और मैं बगैर लड़े सुंदर नगर का राजा बन सकता हूँ। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, लेकिन याद रखना, तेरा शरीर और तेरा चेहरा, तेरे कपड़े, तेरे आभूषण, सब कुछ सुंदर नगर के राजा विक्रम जैसा हो जाएगा, लेकिन तेरी आत्मा वही रहेगी। ध्यान रखना, अगर तू किसी असली राजा की तलवार के हाथों जख्मी हो गया तो तू अपने असली रूप में आ जाएगा। और देखते ही देखते जग्गी का शरीर राजा विक्रम में परिवर्तित हो गया। अब जग्गी हूबहू राजा विक्रम में बदल गया। जग्गी अकड़ता हुआ राजा के राजमहल चल पड़ा। दृश्य समाप्त हो गया। मैंने इसे चेतावनी दी थी, पर ये एक मूर्ख व्यक्ति निकला। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो गई। राजा विक्रम ने गुस्से से सैनिकों से कहा, ले जाओ उसे और हमेशा के लिए जेल में डाल दो। उसके बाद जग्गी को माफी नहीं मिली। उसने पूरा जीवन जेल में ही व्यतीत किया।